धार्मिक मान्यता के अनुसार भाई दूज के दिन भाई बहन का साथ साथ यमुना नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। इस दिन भाई बहन हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से यम की फांस और पापों से मुक्ति मिलती है और इसकी मान्यता के साथ यम और यमुना का पूजन कर विश्राम घाट पर भाई बहन स्नान करते हैं और धर्मराज यमुना जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। यमुना नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद दोपहर में बहन के घर जाकर भोजन करके कुछ उपहार दिया जाता है। इस दिन बहन के घर भोजन करने और उसे भेंट देकर खुश करने से भाई के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आज देश भर में भाई दूज का जो त्योहार है, आज के दिन नहाने से यहाँ ऐसा सुना जाता है कि यमराज साल भर में अगर मुक्ति हो जाती है तो यमराज छूते नहीं, यमराज नहीं आते, भगवान वैकुंठ धाम को लोग जाते हैं, इसीलिए आज यहाँ पर नहाया जाता है। महिलाएं भी नहाती हैं, पुरुष भी नहाते हैं, ये भाई बहन भी नहाते हैं, जैसे भाई बहन दोनों नहाते हैं, मेरे यमराज और जमुना भाई बहन हैं, ये दोनों मिल करके आज नहाते हैं यहाँ। और आज के नहाने से यहाँ साल भर में अगर मुक्ति होती है तो यमराज छूते नहीं किसी को, ऐसा यमुना जी के भाई हैं यमराज, तो यमराज की बहन वो हैं, इसलिए उनका बहुत महत्व है। तो हम भाई बहन आते हैं, साथ में नहाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और इनके सुख की कामना करते हैं। जैसे यमराज जी अपनी बहन को बहुत चाहते थे, तो हम लोग भी अपने भाई बहन सब चाहते हैं एक दूसरे को, यही महत्व है इसका। यमुना जी का आज भैया दूज का बहुत पूज मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर प्रयागराज की, जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, भाई बहन हाथ पकड़कर आज के दिन आस्था की डुबकी लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका भाई खुश रहे, उनकी भाई की जो उम्र है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। आपको बता दें, जिस तरीके से आपने खुद यहाँ पर सुना स्थानीय लोगों, उन्होंने कहा कि आज के दिन डुबकी लगाई जाती है यमुना में क्योंकि भाई की लंबी उम्र के लिए वह यमुना देवी से प्रार्थना करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं।